वहीं छत्तीसगढ़ के रायपुर में 10 जुलाई को बीजेपी की बड़ी बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री, बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री और प्रदेश प्रभारी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव ने सभी का मार्गदर्शन किया। बता दें कि बैठक के दौरान विभिन्न कार्यक्रम तय किए गए। इसके बाद भाजपा की प्रेस वार्ता हुई, जिसमें मीडिया से बात करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह ने कहा कि प्रत्येक कार्यकर्ता धरातल पर जनता समस्याओं और सरकार की योजनाओं की जानकारी लेने जनता के बीच जाएंगे। बता दें कि साथ ही आने वाले दिनों में बीजेपी गांव चलो घर घर चलो अभियान चलाएगी। वहीं इसी दौरान उन्होंने कहा कि 21 जुलाई से 25 जुलाई तक मंडल कार्य समिति का गठन होगा। वहीं 15 अगस्त को प्रत्येक बूथ में सभी घरों में राष्ट्रीय ध्वज लहराएंगे। आपको बता दें कि 17 सितंबर को सेवा पखवाड़ा के जरिए अनेक कार्यक्रम किए जाएंगे। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी सामान्य पत्रकार बंधुओं का, बहनों का आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारे आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आदरणीय जिलाध्यक्ष जी, जयंती भाई पटेल जी, हमारे अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय विकास मरकाम जी, हमारे मीडिया विभाग को जो पूरे प्रदेश भर में देख रहे हैं, ऐसे संयोजक सह संयोजक की दृष्टि से अमित चिमनानी जी और आदरणीय अनुराग अग्रवाल जी, विगत 10 तारीख को एक वृहद कार्य समिति, प्रदेश कार्य समिति संपन्न हुई है और बृहद कार्य समिति इसलिए कि प्रत्येक 3 माह में वैसे तो तय होता है कि भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की कार्य समिति और उसके 7 दिनों के अंदर जिला कार्य समिति, फिर मंडल कार्य समिति। तो इस दृष्टि से प्रदेश कार्य समिति में संगठनात्मक विषयों पर और विभिन्न कार्यक्रम जो भारतीय जनता पार्टी जिले के माध्यम से, मंडलों के माध्यम से, हमारे विभिन्न मोर्चा प्रकोष्ठों के माध्यम से नीचे तक ले जाने में हमारे कार्यकर्ताओं की जो महत्वपूर्ण भूमिका है, उस पर विषय विस्तार से चर्चा होती है। सुखद विषय यह रहा कि इस वृहद कार्य समिति में मुख्य रूप से मुख्य अतिथि के रूप में हम सबके बीच और केंद्रीय ऊर्जा आवास मंत्री आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी उपस्थित थे, उनका भी मार्गदर्शन कार्य समिति को प्राप्त हुआ। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री सह संगठन आदरणीय शिव प्रकाश जी, संगठन के सभी विषयों को लेकर उन्होंने कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया। हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साई जी सहित हमारे भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के प्रभारी और बिहार शासन में केंद्रीय मंत्री आदरणीय नितिन नवीन जी, आदरणीय हमारे क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल जी और आगामी कार्यक्रम योजनाओं को लेकर हमारे महामंत्री संगठन भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ प्रदेश के आदरणीय पवन साई जी सहित उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी से लेकर विजय शर्मा जी सहित मंचस्थ सभी वरिष्ठ नेता और हमारे जो सांसद हैं, सम्मानीय सांसदगण, विधायकगण, मंत्रीगण, प्रदेश कार्य समिति के जो सदस्य हैं, सभी आदरणीय कोर कमेटी के सभी वरिष्ठ नेता, मोर्चों के प्रदेश के अध्यक्ष, प्रकोष्ठों के प्रदेश के संयोजक, पहली बार जिला स्तर पर इस वृहद कार्य समिति में जो मोर्चों के अध्यक्ष सहित प्रकोष्ठों के भी संयोजक जो जिले पे हमारा गठन है,